एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, कल हमने आपको कहा था कि रिसर्च डिज़ाइन आपको बताने से पहले हम आपको रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च वेरिएबल्स आदि के बारे में बताएंगे। तो कल का टॉपिक हमने आपको जो बताया था वह रिसर्च प्रॉब्लम का था। आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना क्या होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्यों बनाई जाती है, यह क्या कार्य करती है, कैसे बनाई जाती है और किसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इस संबंध में कुछ और बताने से पहले सबसे पहले हम टाउनसेंड की एक छोटी सी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। ए हाइपोथेसिस इज ए सजेस्टेड आंसर टू द प्रॉब्लम। टाउनसेंड 1953 ने यह कहा था कि हाइपोथेसिस जो है, परिकल्पना जो है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर होती है। किंतु यह जो डेफिनेशन है आपकी, यह पूर्ण डेफिनेशन नहीं है। इस संबंध में गुडे तथा हार्ट ने ये कहा है कि परिकल्पना एक ऐसा कथन है जो कि यह बताती है कि हम क्या देखना चाहते हैं, यह आगे की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है और जिसके द्वारा हम वैधता की परीक्षा करते हैं। किसकी वैधता की? अपने अध्ययन की। इससे इसमें यह होता है कि यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। तो इस बारे में जो इन्होंने कहा है, ए हाइपोथेसिस स्टेट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ए हाइपोथेसिस लुक्स फॉरवर्ड। इट इज ए प्रपोजिशन विच कैन बी पुट टू अ टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। इट मे बी प्रूव टू बी करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इस संबंध में अभी कर्लिंगर क्या कहते हैं? कर्लिंगर 1986 ने यह कहा है कि परिकल्पना जो है, दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का अनुमान लगाती है। यानी जो अध्ययन के लिए हम वेरिएबल्स लेते हैं, वह जो भी हैं, उनके बीच में किस प्रकार का क्या संबंध है। आपको पता है कि जो प्रयोग होता है वह कार्य कारण संबंधों के आधार पर होता है। तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि जो परिकल्पना है वह वेरिएबल्स के मध्य जो रिलेशन है उसके बारे में एक प्रिडिक्शन करती है, अनुमान लगाती है या एसम्पशन करती है। मैकगुइगन 1990 ने भी कहा है कि परिकल्पना जो है, दो या दो से अधिक चरों के मध्य कार्यक्षम संबंधों का कथन है और इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। यानी जितनी भी परिभाषाएं हमने आपको बताई, अगर ध्यान दिया जाए तो परिभाषाओं के आधार पर, यानी जो भी परिभाषाएं हैं, वह एक्सप्लेन करती हैं कि जो हाइपोथेसिस है वह दो या दो से अधिक चरों के अनुमान पर आधारित ऐसे तर्कपूर्ण प्रस्तावित और परीक्षण योग्य कथन को हम कह सकते हैं परिकल्पना, जो कि हमें यह बताता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। और जब हम जांच कर लेते हैं उसके बाद यह हम देखते हैं कि जो हमने कथन लिया था या परिकल्पना लिया था वह सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। और समस्या जब तक हम डिटरमाइन नहीं कर लेते हैं, जब तक हम समस्या निश्चित नहीं करते हैं, तब तक हम अपनी परिकल्पना भी निश्चित नहीं करते हैं। समस्या के बाद ही परिकल्पना को निश्चित किया जाता है। तो इस तरह से समस्या और परिकल्पना, यानी प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस के मध्य एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। समस्या का जो उत्तर है,
एकदम एग्जैक्ट होगा, सत्य होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। एक समस्या के बारे में जो संभावित अनुमान या प्रस्तावित उत्तर है, उसी को परिकल्पना कहा जाता है। और एक परिकल्पना के अभाव में, यानी बिना परिकल्पना के किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। अध्ययनों, जो भी अध्ययन होते हैं, और इस संबंध में परिकल्पना का निर्माण, जितनी अच्छी निर्मित परिकल्पना होगी, समस्या होगी, हमारा जो अध्ययन है उतना ही वैज्ञानिक, विश्वसनीय, वैध होगा। परिकल्पना के लिए कहा जाता है कि यह परिकल्पना किसी अनुसंधान कार्य के लिए उसी प्रकार का कार्य करती है जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अंधेरे में जा रहा है तो उसका मार्गदर्शन के लिए एक प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंधेरे में वह दिशा भटक सकता है, अपने पथ से विचलित हो सकता है, किंतु प्रकाश रहने पर वह सीधे मार्ग का अनुसरण कर सकता है। इसी प्रकार एक हाइपोथेसिस भी जो है, एक परिकल्पना भी जो है, वह व्यक्ति के मार्गदर्शन का काम करती है। और परिकल्पना के निर्माण से, हाइपोथेसिस के डेवलप करने से, एक व्यक्ति अपनी समस्या से संबंधित रास्ते पर ही चलता है, यानी उसको भटकने की संभावना जो होती है वह नहीं रहती है, वो खत्म हो जाती है। अतः जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसके लिए परिकल्पना का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। अध्ययनों के आधार पर जितने भी जो वैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने परिकल्पना के कुछ निश्चित कार्य बताए हैं। जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं हाइपोथेसिस के, वो उन्होंने बताया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो परिकल्पना होती है, हाइपोथेसिस जो होती है, वह रिसर्च और या उसकी प्रॉब्लम को जो है वह निश्चित करती है। जब तक कोई भी अनुसंधान करता, अध्ययन करता, किसी परिकल्पना का निर्माण नहीं करता है, तब तक उसके संबंधित अध्ययन जो हैं, वह समस्या से संबंधित जो अध्ययन है, वह एक निश्चित स्वरूप नहीं ले पाते हैं। कारण है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन करना किसी भी अध्ययनकर्ता के लिए संभव नहीं है। और न ही इस प्रकार के अध्ययन से कि हम बहुत लंबा टॉपिक ले लें, बहुत ज़्यादा ब्रॉड उसमें जाएं, तो हमारे अध्ययन के जो परिणाम होंगे उससे न हमको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और न ही हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो हाइपोथेसिस है वह एक तरह से हमारी प्रॉब्लम को निश्चित करती है, और परिकल्पना से जो है समस्या जो है वह निश्चित और विशिष्ट क्षेत्र वाली हो सकती है, जिससे कि अध्ययनकर्ता जो है व्यर्थ के व्यय से बच जाता है। जब भी हम वैज्ञानिक अध्ययनों की बात करते हैं तो उसमें व्यय का मतलब मात्र धन से नहीं होता है। समय, श्रम और धन, तीनों को ही हम खर्च की दृष्टि से देखते हैं। तो जब हम परिकल्पना निश्चित करते हैं तो हमारा अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त फालतू का जो समय जाता है, और धन, तीनों के हम अतिरिक्त या फिजूल खर्ची से हम बच जाते हैं। परिकल्पना के द्वारा जो हमारा अध्ययन कार्य है, एक अनुसंधानकर्ता जो है वह अपने अध्ययन कार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, और उससे यह डिसाइड हो जाता है कि उसे कब, क्या और कितना अध्ययन करना है। गुडे और हार्ट ने ये कहा है कि जो हाइपोथेसिस है
वह एक रिसर्च करने वाले को यह बताती है कि वह क्या अध्ययन करना चाहता है, और जो अध्ययन करता है एक हाइपोथेसिस के निर्माण से उसका जो निरर्थक प्रयत्न है वह कम हो जाता है, और उसे कौन सी क्रियाएं कब क्या और कितनी करनी है यह स्पष्ट हो जाता है। तो एक अध्ययनकर्ता को एक निश्चित दिशा प्रदान करने का कार्य भी एक हाइपोथेसिस करती है, और वैज्ञानिक अनुसंधान में उपकल्पना जो है एक सेंट्रल या केंद्रीय पथ कहा जाता है। हाइपोथेसिस के द्वारा जो है हम जो हमारा फैक्ट है, डाटा है, तथ्य है, इनका हम कलेक्शन करते हैं। जो हाइपोथेसिस है उसके अध्ययन से, उसको बनाने से हमारी जो अध्ययन समस्या है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है, वह तो डिसाइड होती ही होती है। साथ ही साथ यह भी निश्चित होता है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, और इसका रिजल्ट यह होता है कि जो अध्ययन करता है वही उन्हीं आंकड़ों की ओर, उन्हीं तथ्यों की ओर ध्यान देता है जो कि उसकी समस्या से संबंधित होते हैं, और उन्हीं का वह संकलन भी करता है। निरर्थक तथ्यों के संकलन से एक अध्ययनकर्ता जो है वह बचता है। परिकल्पना जो होती है, हाइपोथेसिस जो होती है, वह किसी भी दशा में, हम चाहे किसी भी दशा में अध्ययन करें, उस अध्ययन के रिजल्ट को निकालने में एक हाइपोथेसिस बहुत ही सहायक होती है। परिकल्पना से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने के बाद इसकी वैधता की जांच की जाती है, और परिकल्पना के परीक्षण के द्वारा एक जो अध्ययन करता है वह वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त करता है। यह जो परिकल्पना होती है वह उसके एक अध्ययन करने से हमको ये पता लगता है, जब हम जांच करते हैं तो यह जो परिकल्पना है यह सही भी हो सकती है और गलत भी, सत्य भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है। किंतु चाहे ये सत्य सिद्ध हो या असत्य सिद्ध हो, सेलेक्ट हो या रिजेक्ट हो, दोनों ही स्थिति में हमको सत्य की ही प्राप्ति होती है कि क्या वास्तविक है, क्या सत्य है, इसी की जानकारी हमको मिलती है। इस संबंध में यंग 1966 ने कहा है कि एक वैज्ञानिक के लिए जो नकारात्मक परिणाम भी उतने ही रोचक और महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि धनात्मक परिणाम। जरूरी नहीं है कि हमारी परिकल्पना, हमारी हाइपोथेसिस हमेशा सत्य ही सिद्ध हो। अगर यह असत्य भी सिद्ध होती है तो इसका मतलब है कि हमने कुछ नया खोजा है। और एक परिकल्पना के द्वारा सबसे बड़ी बात यह है कि हम विज्ञान कहते हैं, हम अपने को वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला मानते हैं साइकोलॉजी में, तो वैज्ञानिक अध्ययन की यह प्रमुख विशेषता होती है कि हम उस अध्ययन की जांच पुनः कर सकें। तो एक परिकल्पना के द्वारा हम अपने अध्ययनों को रिपीट कर सकते हैं, उनकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अध्ययनों के परिणामों की सत्यता की जांच के लिए हम उन्हें रिपीट कर सकते हैं, फिर से टेस्ट कर सकते हैं, और यह पुनः वैज्ञानिक रूप से तभी संभव होगा जबकि अध्ययनकर्ता को समस्या के विशिष्ट पहलुओं का आवश्यक ज्ञान हो, यानी जो उसके बारे में उसे उपकल्पनाएं ज्ञात हों। प्रयोगात्मक अनुसंधान में परिकल्पना निर्माण के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोग को किस प्रकार का स्वरूप देना है, या प्रयोग का स्वरूप परिकल्पना की शब्दावली पर आधारित
होता है। अब हम आपको परिकल्पना की कुछ विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। अब तक जो बताया वह एक हाइपोथेसिस की कार्य हमने बताया। अब हम आपको बता रहे हैं कि परिकल्पना कैसी होनी चाहिए। परिकल्पना अपनी समस्या का एक एडिक्वेट आंसर होना चाहिए। परिकल्पना समस्या का प्रस्तावित उत्तर है और इस उत्तर को पर्याप्त होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि किसी समस्या का एक ही प्रस्तावित उत्तर हो, उसके कई उत्तर हो सकते हैं। तो इसीलिए एक अध्ययनकर्ता जब भी अध्ययन से संबंधित परिकल्पना का निर्माण करता है, तो परिकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि यदि रिसर्च से संबंधित एक ही हाइपोथेसिस सफिशिएंट नहीं है, तो जितनी परिकल्पना की आवश्यकता है वह उतनी परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। अध्ययनकर्ता को यह ध्यान देना चाहिए, अनुसंधानकर्ता को, कि जो हाइपोथेसिस के वर्ड्स होते हैं वह बड़े सहज होने चाहिए, सरल होने चाहिए और ऐसे कठिन लैंग्वेज का उपयोग नहीं करना चाहिए जो कि पढ़ने से एक भ्रम उत्पन्न हो, और इतना लंबा कथन भी नहीं होना चाहिए कि जिससे कोई सार्थक या समझ में न आए, ऐसी कुछ बातें नहीं होनी चाहिए। जब परिकल्पना भ्रमपूर्ण नहीं होती है, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं होता है, एक स्ट्रेट सेंटेंस होता है, सहज सेंटेंस होता है, तो ऐसी स्थिति में जो कठिनाइयाँ होती हैं वह अपने आप कम हो जाती हैं। किंतु जब एक हाइपोथेसिस में इस प्रकार की विशेषताएं नहीं होती हैं, तब कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने की चीज़ है कि जो हाइपोथेसिस है वह उपयोगी होनी चाहिए, और उसकी जितनी भी हम उसकी जो मतलब एक तरह से उसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन होनी चाहिए, संक्रियात्मक व्याख्या होनी चाहिए। यदि ऐसी परिकल्पना बनती है जिसके प्रत्ययों की संक्रियात्मक व्याख्या नहीं हो सकती है, जिससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार की क्लियरिटी न होने पर आगे चलकर जो स्टडी की क्रियाएं हैं, अध्ययन का कार्य है, उसमें बहुत बाधा आती है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि एक हाइपोथेसिस बहुत ही मतलब उसको डिफाइन करने की दृष्टि से अगर हम कहें तो बहुत क्लियर होनी चाहिए, और जितनी क्लियर हाइपोथेसिस होगी अध्ययन भी उतनी आसानी से होगा, और हाइपोथेसिस को देखकर ही उसके बारे में सरलता से समझा जा सकता है कि एक रिसर्चर किन चीज़ों को क्या अध्ययन करने को लेकर चल रहा है। इन सब विशेषताओं के साथ साथ एक जो परिकल्पना है उसे विशिष्ट भी होना चाहिए, यानी परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो पिछली जितने भी अध्ययन हुए हैं, अगर उससे कुछ विशिष्ट नहीं है परिकल्पना, तो कोई वैज्ञानिक जांच या खोज इससे संबंधित करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। एक हाइपोथेसिस के द्वारा हम जो भी हाइपोथेसिस एक रिसर्चर डेवलप करता है, एक रिसर्च करने वाला जो परिकल्पना निर्माण करता है, उस आधार पर आंकड़ों का एकत्रित करना संभव होना चाहिए।
यदि ऐसी हाइपोथेसिस डेवलप करता है जिसके आधार पर आंकड़े एकत्रित करना मुश्किल है, तो ऐसी हाइपोथेसिस यूजलेस होती है, बेकार होती है। इसके साथ ही साथ ये ध्यान देना चाहिए कि अध्ययनकर्ता किस प्रकार की हाइपोथेसिस को डेवलप कर रहा है, किस प्रकार की हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। एक अध्ययनकर्ता को चाहिए कि अपने समस्या से संबंधित वह जहाँ तक संभव हो सके शून्य परिकल्पना को निर्मित करें। शून्य परिकल्पना जो होती है अन्य परिकल्पनाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ मानी जाती है। अभी हम आगे आपको परिकल्पना के प्रकार में इसके बारे में और बताएंगे। साथ ही साथ एक अध्ययनकर्ता को यह चाहिए कि जो परिकल्पना हम डेवलप कर रहे हैं वह परिकल्पना की एक विशिष्ट विशेषता यह भी होनी चाहिए कि परिकल्पना जो है प्रयोग या सिद्धांत को प्रमाणित करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। यानी ऐसी परिकल्पना को निर्मित करना चाहिए कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है परिकल्पना की जांच उसी जो होगी वह अनुसंधान कार्य के आधार पर की जाएगी। और यदि जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया है वह जो है जांच योग्य नहीं होगी, परीक्षण योग्य नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में परिकल्पना को सेलेक्ट करना व्यर्थ हो जाता है। परिकल्पना की जो भी हम डेवलप कर रहे हैं परिकल्पना के परीक्षण के लिए यंत्र, उपकरण, टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। जब परिकल्पना की जांच के लिए हमारे पास उपकरण, परीक्षण, यंत्र होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो परिकल्पना के संबंध में आंकड़ों का संकलन हम करते हैं वह सहजता से हो जाता है। किंतु अगर यंत्र नहीं है, उपकरण नहीं है और उपलब्ध नहीं है इस संबंध में, तो एक सामान्य अनुसंधानकर्ता के लिए संबंधित अध्ययनों के लिए एक उपकरण या यंत्र का निर्मित करना आसान नहीं होता है। यंत्र या उपकरण को निर्मित करने का कार्य अनुभवी अध्ययनकर्ता ही कर पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे परिकल्पना लिया जाए, ऐसी परिकल्पना की रचना की जाए जिसकी जांच के लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हों। जब भी हम किसी हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, निर्मित करते हैं, तो यह हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वह किसी सिद्धांत से संबंधित होनी चाहिए। अक्सर अध्ययन में ये देखा गया है कि जो नवीन रिसर्चर होते हैं, जो नए अनुसंधानकर्ता होते हैं, वह अक्सर यह गलती त्रुटि कर बैठते हैं कि उनकी जो परिकल्पना होती है वह किसी सिद्धांत से संबंधित नहीं होती है। और ऐसे में जो अनुसंधानकर्ता में अनुभव का अभाव, जब अनुसंधानकर्ता नया है तो एक तरह से अनुभव की कमी भी होती है। और ऐसी स्थिति में वह क्या होता है कि वह अपनी रुचि के अनुसार विषय तो चुन लेते हैं लेकिन सिद्धांतों पर आधारित न होने से उनका जो अध्ययन है वह कई बार पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि एक अनुसंधानकर्ता जो भी परिकल्पना निर्मित करे वह किसी सिद्धांत से संबंधित हो। परिकल्पना के संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि जो परिकल्पना है वो उसका कथन ऐसा होना चाहिए कि
कि उसमें जो भी संबंध का उपयोग हो वह एकत्रित प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। यानी परिकल्पना जो है हमारे अनुमान पर आधारित नहीं होती है, बल्कि यह एक तरह से प्रयोगों और तथ्यों पर आधारित होती है। परिकल्पना से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, यानी परिकल्पना जो हमारी है, हाइपोथेसिस जो है वो हमारी, वह जिस अध्ययन क्षेत्र से संबंधित है उस अध्ययन क्षेत्र को देखते हुए परिकल्पना एक सामान्य प्रकार की होनी चाहिए। इससे जो निष्कर्ष होते हैं वह हम अधिक से अधिक व्यापक तथ्य की ओर खोज सकते हैं। परिकल्पना का निर्माण इतना आसान नहीं होता है। परिकल्पना निर्माण में अनेक प्रकार की कठिनाइयां भी आती हैं। परिकल्पना के निर्माण में सबसे बड़ी कठिनाई तब होती है जबकि एक अनुसंधानकर्ता को जो अनुसंधान समस्या है उससे संबंधित जब क्षेत्र का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए परिकल्पना निर्माण कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान क्षेत्र का ज्ञान स्पष्ट रूप में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यह देखा गया है कि जब एक अनुसंधानकर्ता के पास अपनी जो रिसर्च फील्ड है उसके बारे में जो भिन्न भिन्न सिद्धांत हैं उसका अच्छी तरह से ज्ञान न हो, यानी अपने जो रिसर्च का हमारा फील्ड है उससे संबंधित जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में एक सही स्पष्ट ज्ञान का होना एक अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है। जब अनुसंधानकर्ता ऐसी परिकल्पना बनाता है जिसके बारे में उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है और उस बारे में जो अनुसंधान हुए हैं, जब भी हम रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं तो हमने प्रॉब्लम जब बताया तो भी आपको बताया कि जर्नल्स शोध के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या शोध हो चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, जितनी भी रिसर्च हैं उनकी जानकारी लेते हैं। तो जब एक अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन से संबंधित अनुसंधान कार्य को पूर्ण ज्ञान नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में जो हाइपोथेसिस है उसके निर्माण में कठिनाई होती है। कई बार ऐसी भी परिकल्पनाएं डेवलप कर ली जाती हैं जिस संबंध में कोई भी कार्य न हुआ हो, ऐसी स्थिति में काफ़ी परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं। एक अध्ययनकर्ता को, एक अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान से संबंधित जो यंत्र उपयोग में लाने हैं, उपकरण जो उपयोग करना है, अगर उन उपकरणों के प्रयोग का तरीका उसे नहीं पता है तो उसके लिए एक हाइपोथेसिस को डेवलप करना और उससे संबंधित अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल कार्य होगा। अभी जब हम आपको समस्या पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तो हमने आपको ये बताया था कि प्रॉब्लम को जो हम निर्मित करते हैं, जो अनुसंधान समस्या हम बनाते हैं, वह किन आधारों पर बनाते हैं। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जो परिकल्पना भी होती है वह भी
ऐसे ही नहीं बना ली जाती है, उसके लिए कुछ सोर्सेस जरूरी होते हैं और इन सोर्सेस के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है और इसमें कुछ प्रमुख स्रोत या सोर्स के बारे में बताया है जिनके आधार पर एक परिकल्पना की रचना होती है। सबसे पहली चीज़ तो है कि जनरल कल्चर, ऐसी सामान्य संस्कृति जिसमें कि एक विज्ञान विकसित होता है और यह संस्कृति जो होती है वह परिकल्पनाओं के निर्माण का बहुत अच्छा स्रोत होती है। प्रत्येक प्रकार का जो कल्चर है, हर प्रकार की संस्कृति में हर क्षेत्र से संबंधित अनेक प्रकार की समस्या होती है, तो इन संस्कृतियों के बारे में अगर कोई अध्ययन करता संस्कृतियों के अच्छे ज्ञान को रखता है तो वह इस संस्कृति से संबंधित समस्या का निर्माण कर सकता है। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, प्रत्येक विज्ञान में विभिन्न, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित है, उसके बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं। यह जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं यह भी अनुसंधान का प्रमुख आधार होते हैं। एक अध्ययनकर्ता जो है वह जितना ही ज़्यादा अपने क्षेत्र से संबंधित जो वर्क हुए हैं, जो रिसर्च हुए हैं, उनसे संबंधित जितना अधिक जानकारी रखता है उतनी ही विशिष्ट परिकल्पना की वह रचना कर सकता है। गुडे और हार्ट ने इस संबंध में कहा है कि जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस का जो जन्म है, वह विज्ञान में होता है और प्रत्येक विज्ञान जो है वह हाइपोथेसिस का सोर्स होता है। तो एक जो अध्ययन करता है उसके लिए बेहतर यह होता है कि वह वैज्ञानिक सिद्धांतों के अध्ययन के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा एनालॉजी, सादृश्य, समानता, यानी दो घटनाओं, विषयों आदि में जो समानता होती है, जो अध्ययन करता जितना अच्छा इस समानता संबंधी ज्ञान को रखता है वह इससे संबंधित हाइपोथेसिस का बहुत बढ़िया निर्माण कर सकता है। जैसे आपने पढ़ा है कि हमारे अधिकांश अध्ययन पशुओं पर होते हैं और उस पर अध्ययन करके हम मनुष्यों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन हमें यह तो ज्ञान होनी चाहिए कि किस प्रकार की क्रियाएं मनुष्यों और पशुओं में समानता रखती हैं। तो इस प्रकार जितनी ज़्यादा समानता का ज्ञान होगा, सादृश्य का ज्ञान होगा, परिकल्पना निर्माण का एक अच्छा सोर्स यहाँ पर होता है। एक अध्ययनकर्ता के अपने अध्ययन से संबंधित बहुत सारे अनुभव भी होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स इस समय रिसर्च करने वालों के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो भी परिस्थिति गुजर रही है वर्तमान में, आप देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस का प्रकोप है और इसके कारण जो फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इस संबंध में हमारे जो अनुभव हैं जो इस दौर से हम सब गुजर रहे हैं, ऐसे में एक अनुसंधानकर्ता के अपने अनुभव भी उसको परिकल्पना निर्माण में सहायता देते हैं। साथ ही साथ जो अध्ययन करता है वह जितना अधिक थिंकिंग और
इनसाइट, माने यह दो चीजें परिकल्पना के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। एक जो अनुसंधान करता है उसका जो चिंतन है जितना अधिक क्रिएटिव होगा, जितना अधिक रचनात्मक होगा, उतना ही अच्छी वह परिकल्पना का निर्माण कर सकता है। साथ ही साथ एक अध्ययनकर्ता में इनसाइट, ये जो सूझ है, सूझ और सृजनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन बहुत ही अधिक रिलेटेड हैं और सूझ के अभाव में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो एक अनुसंधानकर्ता जो परिकल्पना का निर्माण करता है वह अपने रचनात्मक चिंतन और सूझ, यह क्षमता जितनी अधिक होगी उसके लिए परिकल्पना की रचना उतना बढ़िया आसान अवसर होगी। इस संबंध में जो अनुभवी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, गाइड हैं, सुपरवाइजर हैं, उस क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, यह जो हैं एक्सपर्ट के द्वारा जब हम अनुसंधान से संबंधित वार्ताएं करती हैं तो ऐसी स्थिति में उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर भी हमको परिकल्पना की रचना में सहायता मिलती है। परिकल्पना जो होती है वह कई प्रकार की हो सकती है और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में जो परिकल्पना बनती है वह मुख्य रूप से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य प्रकार की हो सकती है। मैकगुइगन ने इस संबंध में दो प्रकार की परिकल्पनाएं बताई हैं, एक तो सार्वभौमिक यूनिवर्सल हाइपोथेसिस और दूसरी अस्तित्वात्मक परिकल्पना के बारे में बताया है। जबकि अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं वह तीन प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और नल। पॉजिटिव हाइपोथेसिस या धनात्मक जो कथन होता है वह धनात्मक कथन से संबंधित जो परिकल्पना होती है उसमें हम जो अध्ययन करते हैं उसमें एक धनात्मक कथन के रूप में परिकल्पना का निर्माण करते हैं। ऋणात्मक हाइपोथेसिस में हम जो हमारे कथन का स्वरूप होता है वह ऋणात्मक प्रकार का होता है, यानी जैसे हमने अध्ययन के समूह जो लिए हैं उसमें किसी एक पक्ष को हम अधिक या अत्यधिक क्षमता वाला मानकर जब अध्ययन की दिशा लेकर चल रहे हैं तो ये धनात्मक कथन संबंधित है, और जब हम ऋणात्मक क्षमता की ओर अध्ययन करना चाहते हैं तो यह नकारात्मक कथन से संबंधित परिकल्पना कही जाती है। नल हाइपोथेसिस जो है वह सभी प्रकार की परिकल्पनाओं से श्रेष्ठ प्रकार की परिकल्पना मानी जाती है। नल जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शून्य। जब अध्ययनकर्ता शून्य परिकल्पना निर्मित करता है तो वह मान कर चलता है कि जिन चरों के मध्य, जिन वेरिएबल्स के मध्य संबंध को ज्ञात किया जा रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी इस परिकल्पना के द्वारा विभिन्न जो सैंपल में जो सैंपल हम लेते हैं उसमें जो अंतर की सार्थकता का अध्ययन किया जाता है उसका, जो इस प्रकार की जो हाइपोथेसिस है इसको हम ये मान कर चलते हैं कि इसमें जो पॉपुलेशन हमने लिया है, जो समष्टि से सैंपल लिया है उसमें किसी प्रकार का कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और अगर जो जरा बहुत है भी तो वह संयोगजन्य है, एक्सीडेंटल है, और यह अंतर महत्वपूर्ण नहीं है। और वैज्ञानिक अध्ययनों में
इसी प्रकार की हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की जब हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं तो जो हमारा परीक्षण होता है वह टू टेल्ड होता है, द्विपक्षीय परीक्षण होता है। शून्य परिकल्पना इस प्रकार से भी बनाई जा सकती है कि मध्यमानों की जो अंतर की सार्थकता की जांच हो वह एक पक्ष की ओर हो, और शून्य परिकल्पना उस समय सत्य होती है जबकि हमारा जो अंतर होता है, यानी हमने अगर शून्य परिकल्पना ये बनाई कि समूहों के मध्य अंतर नहीं है, अंतर सार्थक नहीं है, और परिणाम में भी हम पाते हैं कि हमारा जो परिणाम मिला है वह सिग्निफिकेंट डिफरेंस को नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है वह सेलेक्ट होती है। किंतु जब हम समूहों के बीच में अंतर पाते हैं तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वह रिजेक्ट होती है। तो इस प्रकार से एक अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या के स्वरूप के आधार पर परिकल्पना की रचना करता है और अपने परिणामों के आधार पर परिकल्पना की सत्यता की जांच करता है। एक परिकल्पना के सत्य या असत्य सिद्ध होने की चांसेस 50% होते हैं, और एक परिकल्पना का निर्माण यदि यदि औरतों के रूप में होता है तो एक अच्छी परिकल्पना निर्मित हो सकती है। आगे के आपकी जो हम टॉपिक है रिसर्च डिज़ाइन का, उसको बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे, तब हम आपको रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।